दिखता था महताजा, फिर वो दिन आया आजा, फिर वो दिन आया आज, आज मेरे घर आया ये। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 12/12/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे तुम आधा कल्प के लिए सुख धाम में क्या करेंगे। स्कूल में जब बच्चों को छुट्टियां मिलती है, हॉलीडे मिलती है, तो क्या करते हैं हॉलीडे में, हॉलीडे को मनाते हैं। तो मीठे मीठे बाबा भी आज हम बच्चों को कह रहे हैं कि मीठे बच्चे तुम आधा कल्प के लिए सुख धाम में हॉलीडे मनाएंगे, क्योंकि वहां दुख का नाम निशान नहीं है। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं। उत्तर है, देखो अभी बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, फॉलो फादर, फिर देखना इसकी एवज में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाएगी, तन भी बहुत सुंदर मिलेगा और धन तो अथाह मिलेगा। देखो बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकता था। धारणा के लिए सार है, नंबर एक, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्म पति बनना है। तो ये बातें क्या सोचनी है मन में, मैं सोचूं और मुझे उसका नशा चढ़े। तो नशा जब चढ़ेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली खुशी भी रहेगी। तो इस खुशी में रहना है और सबको खुश करना है, ऐसे नहीं सिर्फ हम खुश रहें, नहीं। बाबा कहते हैं साथ साथ अपने साथियों को भी खुशी देनी है, सबको खुश करना है, किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हम किसके बच्चे हैं, बेपरवाह बादशाह के, और सारी चिंताएं उस पर छोड़ देंगे तो फिर हम परवाह क्यों करेंगे। परवाह फिर कौन करेगा, मीठे मीठे बाबा करेंगे, मीठे मीठे बाप दादा करेंगे। नंबर दो, एक बाप की अद्वैत मत पर चलकर बेहद का वैरागी बनना है, एक बाप को फॉलो करना है। वरदान है आज का समर्पणता द्वारा, हाँ स्नेह समर्पण सिखलाता है। तो हमारा मीठे मीठे प्राण बाप दादा से स्नेह है, तो हम बच्चे बुद्धि से मन से तन से स्वभाव से संस्कार से हाँ धन से सब प्रकार से क्या है, समर्पण है। तो समर्पणता के द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। अब हमने तो समर्पण किया, फिर बाबा क्या करते हैं, फिर से बाबा हमें दे देते हैं, कहते हैं अब साक्षी हो करके और उसे संभालो, साखी दृष्टा बन जाओ। तो साखी दृष्टा बनने के कारण जो बुद्धि, जैसी बुद्धि हमने बाप को दी, उसे हमें फिर से साफ और स्वच्छ बनाना है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि को स्वच्छ बनाते चले जाओ, सर्व खजानों से संपन्न होते चले जाओ। ज्ञान का श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना, वस्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना अर्थात जमा करना,
इन सब खजानों में संपन्न बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि, और दूसरा बाबा ने कहा सच्ची दिल। लेकिन बुद्धि स्वच्छ तब बनती है जब बाप के द्वारा बाप को जानकर उस बाप के आगे समर्पण कर दो। शूद्र बुद्धि को समर्पण करना अर्थात देना ही दिव्य बुद्धि का लेना है। स्लोगन है एक बाप मेरा हूं, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। इस विधि के द्वारा सदा वृद्धि को क्या करते रहो, प्राप्त करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।